पंचायत में बहुत अच्छा माहौल है जी दाताराम जी। अच्छा देखो, सबसे पहला काम तो दाताराम जी ने जो हमारे यहाँ इधर शिव मंदिर के लिए तिरुपति के पीछे से जो प्रसन्न अपनी जमीन से रोड छोड़ा, सबसे बड़ा काम तो दाताराम जी ने वो किया। उसके अलावा हमारे इधर सरदार बस्ती में गुरुद्वारे के पास अपनी प्रसन्न जमीन छोड़ के गाँव के लिए रास्ता छोड़ा, क्योंकि मंदिर में जाने के लिए जितने श्रद्धालु थे उनको बड़ी दिक्कत होती थी, घर से टपना पड़ता था। तो दाताराम जी ने अपनी पर्सनल जमीन खराब करके सीधा रास्ता निकाला और अब जीतने के बाद उसको पक्का भी कर देंगे। तो इस वजह से हम दाताराम की सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी जीतने के बाद आधी रात को आओ, किसी भी चीज़ के लिए आओ, कोई भी विशेष पार्टी की बात नहीं है, कोई भी पंचायत से आए तो हर एक आदमी का काम करता है। इस दौरान कोई विकास कार्य बाधित नहीं हुए, क्योंकि इनका जो अफसरों के साथ जो तालमेल है वो बहुत अच्छा है। मतलब इनको कोई भी अफसर काम अगर चले गए किसी के पास तो मना नहीं करते काम देने के लिए। तो इन्होंने अभूतपूर्व विश्वास वो किया है, कार्य किया है। ये चीज़ ब्लॉक से भी पता की जा सकती है भी इन्होंने कितना पैसा लगाया है पंचायत में। इनका चुनाव चिन्ह ताला चाबी है और मैं पतलियों की जनता से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को ज़रूर अपना मत देना चाहिए जिन्होंने इतना कार्य किया है और अपनी निजी ज़मीन छोड़कर मंदिर को रास्ता लगाया है। तो ऐसे व्यक्ति का साथ देना बहुत ज़रूरी है, ये हमारा फर्ज भी बन जाता है और हमारा धर्म भी बन जाता है।